नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। महापौर आलोक शर्मा के निगम इंजीनियरों को भ्रष्ट बताने के बाद राजनीति गरमा गई है। एक तरफ जहां इंजीनियर एकजुट होकर महापौर के खिलाफ सक्रिय हो गए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी महापौर को घेरते हुए हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि निगम के भ्रष्टाचार के ये हालात हैं तो आलोक शर्मा को अपनी कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। भोपाल महापौर आलोक शर्मा की नेक नियति उनके गले की फांस बन गई है। निगम परिषद की बैठक में निगम इंजीनियरों पर 5% कमीशन के लेन देन के आरोप महापौर ने सार्वजनिक तौर पर लगाते हुए भ्रष्टाचार रोकने की चेतावनी दी है। इसके अलावा मामले ने तुल पकड़ लिया और इंजीनियर नाराज हो गए। सूत्रों के मुताबिक इंजीनियर्स के दो बड़े संगठनों ने रविवार को बैठक कर आगे की रणनीति बनाते हुए प्रदेश भर के इंजीनियरों को हड़ताल में शामिल करने पर जोर दिया। इधर कांग्रेस ने मौके को भांपते हुए महापौर आलोक शर्मा से इस्तीफा मांगा है। पर आज पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जिस व्यक्ति के हाथ में पूरी कमांड है, एक शहर का महापौर, ये कह रहा है कि उसके अधीन काम करने वाले भ्रष्ट हैं। तो आज नगर निगम में यदि सब इंजीनियर भ्रष्ट है, यदि प्रशासनिक तंत्र भ्रष्ट है, तो इसका पूरा पूरा दारमदार भारतीय जनता पार्टी के उस प्रशासनिक क्षमता पे जाता है, उस महापौर पे जाता है जो आज वहाँ पर प्रशासन कर रहा है। यदि आप उस पूरे नगर निगम को संभाल नहीं पा रहे तो आप गद्दी पे विराजमान क्यों है, मानवाव आप हटे। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। और फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज आज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।